बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो है क्लास 5 की अमेजिंग साइंस पर, और आज मैं आपके साथ यूनिट नंबर 5 एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड जो इसके एक्सरसाइज है वो शेयर करूँगी। एक्सरसाइज के सोल्यूशन पर चलते हैं। फटाफट से एक्सरसाइज ओपन कर ली है, पेज नंबर 49 पर एक्सरसाइज मौजूद है। और क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज अर्थ गिव अस, ज़मीन हमें क्या देती है। तो इसका आंसर देखिए, आंसर शेयर करती हूँ। द अर्थ गिव्स अस एवरीथिंग वी नीड टू लिव। इट गिव्स अस एयर टू ब्रीथ, फूड टू ईट एंड वाटर टू ड्रिंक। इट गिव्स अस मटीरियल फॉर आवर क्लॉथ्स एंड फॉर बिल्डिंग आवर हाउसेज। अब है बी पार्ट, विच थिंग्स हैव अ बैड इफेक्ट ऑन अर्थ, किस चीज़ का बुरा असर होता है अर्थ पर, किन चीज़ों का यानी। तो इसका आंसर, ओवर पॉपुलेशन, पोल्यूशन, बर्निंग फॉसल फ्यूल एंड डिफॉरेस्ट्रेशन। सी, वाई आर प्लांट्स इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ, पौधे क्यों ज़रूरी हैं अर्थ के लिए, ज़मीन के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। तो आंसर देखिए, प्लांट्स provide food for humans and animals. Plant take in carbon dioxide from the air to make their food. They give out oxygen gas. Humans and animals breathe in oxygen gas and breathe out carbon dioxide gas. अब D part, how are trees harm useful to us? Trees हमारे लिए किस तरह से मुफीद हो सकते हैं। वैसे तो plants में सारे तरह के पौधे आ जाते हैं, ट्रीज़ भी, स्मॉल ट्रीज़ भी, और भी जितने भी बेलें वगैरह वो सब कुछ आ जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने अलग दिया तो मैं इसलिए आपके लिए साथ अलग से शेयर कर रही हूँ। ट्रीज़ प्रोवाइड फूड एज वेल एज शेल्टर फॉर मैनी एनिमल्स, विदाउट ट्रीज द, नेक्स्ट पेज, द सॉइल डाइज अप एंड क्रैक्स। ट्रीज एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, एक्स्ट्रा वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लीव, इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग क्लाउड्स। अगला क्वेश्चन, राइट शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, एनवायरनमेंट, पोल्यूशन और पोल्यूटेंट, इन तीनों के आपने डेफिनेशन बतानी है। तो आंसर देखिए, एनवायरनमेंट, द नेचुरल वर्ल्ड दैट सराउंड्स अ लिविंग थिंग इज कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट। पोल्यूटेंट, एनी थिंग विच हार्म्स द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पोल्यूटेंट। पोल्यूशन, पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटीरियल्स इन टू द एनवायरनमेंट। एफ पार्ट, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन दैट आर फाउंड इन द एनवायरनमेंट। हमारे इर्द गिर्द जितने तरह के पोल्यूशन मौजूद हैं वो आपने लिखनी है, सिंपली टाइप्स लिखनी है, डिस्क्राइब नहीं करना। नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, मुख्तलिफ जो ज़र्राए हैं एयर पोल्यूशन के वो आपने बताने हैं। हार्मफुल गैसेस, स्मोक एंड केमिकल्स कम फ्रॉम फैक्ट्री चिमनीज एंड पोल्यूट्स द एयर। स्मोक फ्रॉम ट्रक्स, कार्स, रिक्शाज एंड मोटरसाइकिल्स कंटेन हार्मफुल केमिकल्स। अब एच पार्ट की तरफ चलते हैं, एक्सप्लेन हाउ रिवर बिकम पोल्यूटेड। आंसर, व्हेन द रिवर ओरिजिनेट्स इन द माउंटेन इट्स वाटर इज क्लीन एंड प्योर। When it passes alongside a farm, chemicals from fertilizer may be washed into it. Last question, what is an oil spill? What are the harmful effect of an oil spill? Oil spill क्या है और उसके नुकसानात क्या है? Oil container contains 10 tons of oil. If an oil container leaks, it creates an oil spill in the sea. ऑयल किल्स फिशेज, सी बर्ड्स एंड अदर सी एनिमल्स। ये आंसर था। अब हम नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 50 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स अवेलेबल है। मोर देन डैश मिलियन पीपल इनहेबिट्स द अर्थ। 6, ग्रीन प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन गैस ड्यूरिंग द डे विच इज यूज बाय एनिमल एंड एनिमल फॉर रिस्पायरेशन। विदाउट ट्रीज द सॉइल ड्राइज अप एंड क्रैक्स। Unwanted loud sound can cause noise pollution. Smoke from cars and lorries contain harmful chemical. Poisonous gases and chemicals mix with air, rain and fall into the ground as acid rain. The ozone layer protects the earth from the harmful ray of the sun.
कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एयर ट्रैप्स द हीट ऑफ द सन. डर्टी वाटर फ्रॉम हाउसेज इज कॉल्ड सेवरेज. अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड सीड्स. वीड्स. WWEDS वीड्स. ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 5 यानी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की जो एक्सरसाइज का सोल्यूशन है वो शेयर किया है. आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.